आगामी विधानसभा चुनाव में सिंगरौली सामान्य से बीजेपी के विधायक रामलल्लू बैश्य का टिकट काटकर रामनिवास शाह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। उसके बाद से ही जिले में प्रत्याशियों का विरोध बढ़ने लगा है। इस विरोध के चलते बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने बीजेपी की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है, जिसको लेकर प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार होकर सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में है। बता दें कि इस दौरान चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी ने मुझे आश्वासन दिया था, लेकिन मेरी जगह रामनिवास शाह को टिकट दिया गया है, पार्टी इसलिए छोड़ रहा हूं। कोई भी आदमी अपना अगर घर छोड़ता है तो उसको तकलीफ होती है, और मुझे ये नहीं था कि मुझको विधानसभा चुनाव लड़ना ही लड़ना है या मैं चुनाव पार्टी छोड़ के लड़ूंगा। लेकिन मेयर के चुनाव में आप लोग भी देखे होंगे, सिंगरौली की पूरे आम आवाम ने देखी है कि हम जब से भारतीय जनता पार्टी में 89-88 से हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के तन मन धन से काम करते आए, और कभी भी आदरणीय रामलल्लू जी हैं, उन्होंने 4 बार चुनाव लड़ा भाजपा के सिंबल से, तन मन धन से उनके साथ थे। आदरणीय रामचंद्र जी थे, 93 में जब चुनाव हुआ तो उस जमाने में टीवी VCR चलता था दिखाने के लिए राम मंदिर वाला मुद्दा, तो हम खुद जाते रात को रात भर। लेकिन अभी जैसे मैं मेयर का टिकट पाया, पार्टी ने मुझको टिकट दिया, इसके लिए मैं पार्टी का भी आभारी हूँ, और पार्टी ने मुझे मेयर की प्रत्याशी बनाया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है आज के दिन में, और हमने कभी पार्टी में रह के गद्दारी नहीं की,